ईद उल फितर से कबल हुकूमत ने आवाम को 440 वाट का झटका दे दिया। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। कीमत में इजाफा फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। छोटी ईद की बड़ी खुशियां इंतहा पर पहुंच गई। तमाम बाजारों में गहमा गहमी। मर्द मुख्तलिफ अकसाम के जूते खरीदने में मसरूफ तो खातिन का बनाव सिंगार। मेहंदी और ज्वेलरी स्टॉल्स पर रश। शॉपिंग मसरूफ बच्चों और बड़ों की खुशी दीदनी। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब दौरा सऊदी अरब के बाद लाहौर वापस पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने उम्रा अदायगी के बाद सऊदी वली अहद से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म को सख्त सिक्योरिटी में मॉडल टाउन रिहायशगाह पहुंचा दिया गया। रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी गैर कानूनी पार्किंग माफिया बेरहम। गैर कानूनी पार्किंग के बाइस बाजार में पैदल चलना भी मुहाल हो गया। पार्किंग माफिया सरकारी निरखों के बजाय मनमानी पार्किंग फीस वसूल करने लगे। जिले इंतजामिया ने चुप की चादर ओढ़ ली। साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब जावेद महमूद खान आहू और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर समान, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की शिरकत। कायम मुकाम अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच, मलिक रशीद अहमद खान और चौधरी मंजूर समेत सियासी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद में शिरकत।